हेलो स्टूडेंट्स एस एस में चैप्टर वन द अर्थ इन सोलर सिस्टम आज उसके एक्सरसाइज में अपने एम सी क्यू पढ़ेंगे ओके फर्स्ट द प्लैनेट नॉन एस द अर्थ ट्वाइन इज द प्लेनेट अर्थ से ट्वाइन मतलब नज़दीक में कौन सा प्लेनेट है तो ए जुपिटर बी सेटन सी विनस आंसर वॉज वीनस ओके देन नंबर टू विच इज़ द थर्ड नीयरेस्ट प्लैनेट टू द सन सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है ए विनस बी अर्थ सी मर्क्यूरी आंसर वॉज बी अर्थ ओके नंबर थ्री ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए सारे प्लैनेट्स अराउंड सन के अराउंड में कैसे कौन से पाथ में घूमते तो ए सर्कुलर पाथ बी रेक्टेंगुलर पाथ सी इलोंगेटेड पाथ तो आंसर वॉज सी इलोंगेटेड पाथ देन नंबर फोर ध पोल स्टार इंडिकेट्स धायरेक्शन टू द पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है ए साउथ बी नॉर्थ सी ईस्ट आंसर वॉज बी नॉर्थ ओके देन नेक्स्ट पेज नंबर फाइव एस्टोराइट आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ एस्टोर कौन से ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है ए सटन एंड जुपिटर बी मार्स एंड जुपिटर सी द अर्थ एंड मार्स आंसर वॉज बी मार्स एंड जुपिटर ओके एम सी क्यू अपने फिनिश्ड हुए अभी फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन स्टार के ग्रुप को अलग अलग पैटर्न में फॉर्म करना तो उसको क्या बोलते कॉन्स्टेलेशन नंबर टू ए यूथ सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी स्टार्स की बड़ी सिस्टम को क्या बोलते हैं गैलेक्सी नंबर थ्री द मून इज द क्लोजेस्ट स्केलेटियन बॉडी टू अवर अर्थ मून एक क्लोजेस्ट स्केलेटियन बॉडी है अपने अर्थ से नंबर फोर अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है अर्थ नंबर फाइव प्लेनेट्स डो नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट प्लैनेट्स की खुद की लाइट और हीट नहीं होती है ओके okay? स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हुआ है सेकेंड चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी अभी आपका होमवर्क प्रैक्टिस एम सी क्यू फिलिंग द ब्लैंक्स वन टाइम इन नोटबुक आपको एम सी क्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वन टाइम नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करनी है थैंक यू